Hello everyone, good afternoon, good morning, depending on wherever you are. This is the third part of four part episodes on obesity. इस तीसरे part में हम लोग ये discuss करेंगे कि जो हमारे दो pillars हैं, दो tools हैं, that is the diet and exercise, जिसके base पर हमारा एक transform dietex program है for reversing the obesity and many other conditions, diabetes, hypertension, arthritis. इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि डाइट को हम कैसे एज ए टूल यूज़ करते हैं. बेसिक आइडिया फ्रॉम दिस वीडियो इज़ दैट यू विल अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट क्या है. यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ जो रिलेटेड एंड पॉइंट्स हैं, कुछ आस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू द प्रोग्राम्स. यू विल बी अवेयर ऑफ दोज आस्पेक्ट्स, दोज फैक्ट्स, सो दैट वेन यू स्टार्ट द प्रोग्राम्स, वेन यू यूज द डाइट to change your weight, you will be in a better condition to appreciate the changes we are proposing and you will be more motivated. Four parts hum log discuss karenge. The first part is what is the strategy of changing the diet. Char parts hain uske liye. The first thing is that jo food hota hai, that is primarily vegetarian food. जो वेजिटेरियन फूड हम लोग यूज़ करते हैं, प्रपोज करते हैं, दे आर मोस्टली द लेस प्रोसेस्ड फूड अदर देन हाईली प्रोसेस्ड फूड. एंड देन वी कंट्रोल द क्वांटिटी एंड द टाइप ऑफ फूड. ओके, द क्वांटिटी इन द सेंस दैट इफ यू आर ईटिंग लेट अस से यू नो द थ्री और फोर सर्विंग्स ऑफ द फ्रूट्स पर डे, इन दैट केस वी कंट्रोल दैट. If you are eating rice or any fast carbohydrate, any processed carbohydrate, 3 or 4 times a day, we control that. So therefore, we try to control the quantity, we reduce the amount as well as the type of the carbohydrates you are taking. Okay, and the final one is that the timing. The timing is very important. So as I told you that if you are eating 5 times a day or 4 times a day, we try to reduce that. And also we try to control the overall time during which you eat. So let us say aapka agar last meal 10 baje hota hai, then we try to reduce that to a level jahan par we believe which is going to be of, you know, good benefit to you. Now these two things, the quantity and type of food aur jo timing hota hai us food ko consume karne ka, that is not same for everybody, right? That depends upon the SI score. Now, अगर आपने हमारा जो SI score concept का video देखा होगा, so we encourage everybody, we encourage you to go back to that video and find out what is your SI score. Once you know what is your SI score, you will know whether you are in healthy zone या फिर आप concern zone में हैं या कि आप risk zone में हैं. ये आपको बहुत ही clear हो जाएगा. और उसके बाद में आपको पॉइंट्स भी आपको देख सकते हैं कि किस पॉइंट की वजह से मेरा स्कोर बढ़ रहा है और कैसे मैं उस स्कोर को, उस पॉइंट्स को कंट्रोल कर सकता हूं. सो हम जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, उसका हम पहले ऐसा स्कोर पता करेंगे. और अगर उनका ऐसा स्कोर ये दिखाता है कि उनका हेल्थ कंसर्न जोन में है या रिस्क जोन में है, तो उसके हिसाब से हम उसका पूरा जो क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ फूड एज वेल एज टाइमिंग कंट्रोल करते हैं. जैसा मैंने बोला आपको, अगर वो कंसर्न जोन में है, सो इन दैट केस, फॉर एग्जांपल, अगर वो फ्रूट्स लेने की हैबिट है उनकी, या उनको फ्रूट्स लेना अच्छा लगता है, या फिर हमारे प्रोग्राम में फ्रूट हमें इंक्लूड करना है, तो नॉर्मल उनका जो फूड कंजम्पशन होता है हम उसे कम कर देंगे, हाफ कर देंगे. लेकिन अगर उनका हेल्थ रिस्क जोन में है तो कंट्रोल और भी कम हो जाएगा. सो मे बी इट कैन गो टू 1/4, इट कैन गो टू 1/6, इट कैन बी टोटली रिमूव्ड एज वेल. अगेन, एस आई टोल्ड यू, इट डिपेंड्स अपॉन कि पार्टिसिपेंट या जो क्लाइंट हैं उनका ऐसा स्कोर क्या शो कर रहा है. अगर बहुत हाई जोन में है, ही इज सुपर हैवी वेट, इन दैट केस मे बी द कार्बोहाइड्रेट्स नीड्स टू बी एबॉलिश्ड ऑन एटलीस्ट सर्टन डेज इन अ वीक, so that he has more chance to control the insulin and thereby there is faster reduction in the weight. Okay, so this is how the four components of the strategy work. Next is the time to reverse. Kitna time lagega reverse karne ke liye?
काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स आजकल आप देख रहे होंगे, काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे. देर आर मेनी पीपल हु आर देयर हु आर क्लेमिंग दैट द वेट्स कैन बी रिड्यूस, इट कैन बी रिवर्स विद इन वन वीक, वन मंथ. सम प्रोडक्ट्स और एडवर्टीजमेंट्स आर ऑल्सो देयर विच आर क्लेमिंग दैट बाई कंज्यूमिंग सम पिल्स, सम प्रोडक्ट्स, इट कैन बी रिड्यूस विद इन वन डे एज वेल अ फ्यू किलोग्राम्स. Well, let me tell you, the concept as at RD Wellness is that reducing weight is not a magic, okay? It is an effort. Just like gaining weight was also an effort. आपने जो weight gain किया है वो overnight नहीं किया है, right? It took some time to gain that weight. And also it took a lot of effort to gain that weight. आपने काफ़ी सारा food consume किया, you spent a lot of money, you stopped working out, and therefore, yes, it was an effort. Therefore, even to reverse that thing, you will have to do some effort. Unless and until you go for some surgery, you go for some liposuction or those kind of techniques, they are another thing. But if you have to go for the natural way of reducing the weight, then please do not expect any magic. You will end up harming your health and you will not gain any benefits. You will lose money and at the end of the day, you will feel more frustrated. Okay? So therefore, we help you to have this effort, to make these efforts in a manner so that you start enjoying these things, right? For example, we emphasize on diet as well as exercise. Many of the people, many of our participants and the clients, they actually start enjoying the exercise session to an extent where they call us and they tell us that, hey, can we have the session today, right? So that is the way, once you get addicted to doing these kind of things, you will actually start enjoying and you will yourself be motivated and inspired to take up those sessions, okay? शुरू में थोड़ा सा tough लगेगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा time spend करते हैं उसके ऊपर, आपको लगता है कि हाँ, इससे फ़ायदा होगा. उसके अलावा you will also start enjoying those stuff. You will be doing all these things on your own. किसी को आपको inspire करने की ज़रूरत नहीं है. And the final thing is that result. रिजल्ट क्या होगा? ऑफ कोर्स द फर्स्ट इज यू विल बी लूजिंग सम वेट, देर विल बी सम रिवर्सल ऑफ द ओबेसिटी, आपका वेट लूज होगा, यू विल बिकम मोर हेल्दियर. इक्वली इंपॉर्टेंट इज दैट यू विल ऑल्सो मेक सम चेंज इन योर हैबिट्स. आपके ईटिंग हैबिट्स हैं वो चेंज होंगे. एंड हाउ दे विल चेंज? सम ऑफ अवर क्लाइंट्स एंड सम ऑफ अवर पार्टिसिपेंट्स, वेन वी टॉक्ड टू देम इनिशियली, दे से, सम ऑफ देम से, कि वॉट इज़ लाइफ, आई मीन, इफ यू डोंट ईट स्वीट्स, इफ यू डो नॉट ईट ऑल द जंक फूड्स, वॉट इज लाइफ? अल्टीमेटली वी हैव टू एन्जॉय दोज थिंग्स. दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू एन एडिक्ट हु इज यूज टू कंज्यूमिंग मे बी सम, यू नो, द ड्रिंक्स और सम टोबेको और सम, यू नो, सिगरेट्स. ही इज ऑल्सो एन्जॉइंग, right? And if you ask him, he will also say the same thing to you. What is life if I do not get to enjoy those things? The question is, what is the definition of the enjoyment? That is something, that is a more important thing which we have to change. Once you feel that living healthy is the real enjoyment, once you develop this habit that eating healthy food is a real enjoyment, working out is a real enjoyment, I bet that you will change your entire mindset. You will change the way you look at the things, okay? And thereby you will start saying that, yes, I love to eat good foods. Maybe it can be sprouts, it can be, you know, dairy products, it can be less processed food that we will discuss. But consuming them, which initially may look like something, you know, repulsive, something you may not want to go, आपको शुरू में थोड़ा tough लगेगा, लेकिन बाद में एक बार आपने उसको अपने प्रोग्राम चालू किया, डाइटेक्स प्रोग्राम, एंड आपने उसमें एक महीना, दो महीना, तीन महीना, ऑफकोर्स द एंटायर मंथ इज सिक्स मंथ्स, इफ़ यू कंप्लीट द कोर्स 6 months, यू विल डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ चेंज इन योर सेल्फ. द थिंग्स दैट यू लाइक, आप जिस तरह से चीज़ों को एन्जॉय करते हैं, आपका जो डेफिनेशन है एन्जॉयमेंट का, एवरीथिंग विल चेंज. एंड देयरफॉर वी चेंज द हैबिट्स, वी इंस्पायर द पीपल टू हैव हेल्दी हैबिट. उससे फ़ायदा क्या होगा? मैनी पीपल हु रिड्यूस द वेट, उनका वेट जो उन्होंने लूज़ किया था वो 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, वही वेट वापस आ जाता है. एंड द रीज़न इज़ दैट दे आर नॉट चेंजिंग देयर हैबिट्स.
they are not changing their habits, okay, and that is the key. So of course you will reduce your weight, but once you develop the healthy habits in terms of good food, nutritious food, not eating not enjoying the calories and the junk, but rather than eating the nutrition, eating the good the kind of macro and micronutrients, you will be in a better position to long lasting good health. Okay, so this is the concept of the diet that we will include. I'm sure that this will help you clarify some of the perspectives. Jab aap ye program lenge RD Wellness par, to aap ek better position mein honge, that why we are changing the diet, why we are focusing on certain things, why we are asking you, hum aapko kyun bol rahe hain ki aap ye mat lijiye, and this is the reason. Okay, again I told you that the kind of program, the kind of prescriptions that we offer to the different people, it is different because everybody is different. Some people can be in the concern zone, somebody can be in the risk zone, and depending upon that score, the prescription is different. So that's it. I am sure before I let you go away, the one thing is that please try to see that you offer the gift of my good health plan. Okay, this is the one thing. Those people who are currently in the healthy zone, you please offer them this gift of, you know, my good health plan. What we do, again I have a shared video, this is a very cheap plan. Aap apne dear ones ke liye aap log insurance plan buy karte honge, so that once they fall sick, their hospital reimbursements can be paid back. But this plan ensures that they remain in good health, right? Hospital mein jana hi kyun hai? If you do the regular assessment, if somebody is there to help you become more conscious of your habits, good habits and the bad habits, agar koi hai jo ki aapko assessment karke ye bata sake ki aapka health healthy zone se concern zone mein ja raha hai, agar wo aapki ye help kare ki isko hum reverse kar sakte hain, so that you always remain in healthy zone, which is the intention, jo ki intention of my good health plan, let me assure you that this is going to be of much more benefit to you and to the person that you love. So therefore, please try to give this plan, a very simple plan, very easy plan, but a very effective plan. My fourth video will be there, which will be discussing the concept of exercise for the Transform Dietex program. See you in the next video. Have a good health. Bye-bye.